बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाहक ज़मीन पर कब्ज़ा करना। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर किसी शख्स ने एक बालशत बराबर ज़मीन भी किसी दूसरे की ज़ुल्म व ज़ियाती से लेगा तो क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तोक इसकी गर्दन में डाला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ताख रसूल वाजिबल कत्ल है। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये कहते हुए सुना कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कान खड़ा होगा जो काब बिन अशरफ को जाकर कत्ल करके उसका निशान मिटाएगा, क्योंकि इसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी। तो मोहम्मद बिन सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए और जाकर काब बिन अशरफ को कत्ल कर दिया और वापस आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी कि इस गुस्ताख रसूल को कत्ल कर दिया गया है। इससे साबित होता है कि गुस्ताख रसूल की सज़ा सिर्फ़ मौत है।